हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानोज एवरीथिंग। मैं हूं अर्चना और आज मैं आपके साथ एक सिंपल से होममेड केक की रेसिपी शेयर करना चाहती हूं, जिससे कि आपको भी अगर आप घर में केक बना रहे हैं तो कुछ हेल्प मिल सके। एक्चुअली कल क्रिसमस है तो मैं क्रिसमस केक बना रही हूं और आप सबको पता होगा कि ये कोरोना टाइम चल रहा तो कोई भी बाहर का कुछ भी पसंद नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई मैंने घर पे ही केक बनाया जिससे कि आरुष भी उसे टेस्ट कर सके। चलिए उस केक की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो प्रोसेस है वो पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप्स के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध रखा है गर्म होने के लिए, फिर मैं इसमें व्हाइट विनेगर डालकर मैंने इसे रख लिया है। मैंने 2 कप दूध लिया है और 1 चम्मच व्हाइट विनेगर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे घोलने के बाद ये ऐसा बटर मिल्क जैसा हो गया है। ये मैंने मैदा लिया है, ये 2 कप है, 2 कप के अराउंड है। मैंने ये मेजरिंग कप मेरे पास नहीं है तो मैंने ये यूज़ किया है, आप भी कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं। ये बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच खाने वाला सोडा। फ्रेंड्स, 1/2 कप मैंने कोको पाउडर लिया है, मैंने हर्शेस का कोको पाउडर यूज़ किया, बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे कुछ बूंद मैं वेनिला एसेंस की यूज़ करूँगी जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके। अब ये पाउडर शुगर है, आप मिक्सचर में चीनी को भी पीस के बना सकते हैं। जितने मैदे की क्वांटिटी उतना ही पाउडर शुगर रहना चाहिए। ये है ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। और आप इसे ये दूध जो हमने बटर मिल्क बनाया उसमें डाल देंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हम ये बैटर में डालेंगे पूरा। पूरा बैटर में डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं मेरा बैटर रेडी हो रहा है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम इसे केक टिन में डालेंगे। मैंने केक टिन की जगह एक टिफ़िन बॉक्स लिया है, आप किसी भी बर्तन में ऐसे ऑयलिंग करके या फिर बटर पेपर नहीं है तो आप उसमें मैदा वगैरह डाल के ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आपका केक चिपके नहीं। फिर उसमें बैटर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसका एयर बबल्स हटाएंगे डैब डैब कर। अब प्रीहीट पैन में ये बैटर को रख देंगे 35 मिनट्स तक अच्छे से कवर करके। ये व्हिप्ड क्रीम यूज़ किया मैंने केक डेकोरेटिंग के लिए, इससे हम ऐसे निकाल लेंगे ब्लेंड करने के लिए। एक बार केक चेक कर लेते हैं हम, अभी नहीं पका है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। ये हैंड ब्लेंडर मैंने यूज़ किया है व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए। अब हम केक को एक बार और चेक करेंगे इसमें नाइफ डाल के, अगर बैटर चिपक के बाहर आया तो केक नहीं पका है, अभी केक नहीं पका है। अब यहाँ मैं व्हिप्ड क्रीम रेडी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ईजिली मेरा व्हिप्ड क्रीम रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं केक बनके रेडी हो गया है मेरा। मैंने इसे व्हिप्ड क्रीम से कवर कर दिया, आप देखिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मेरा केक बनके रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा क्रिसमस केक, देख सकते हैं। ये इस पे मैंने छोटे छोटे क्रिसमस ट्री बनाए हैं और इस पे ये स्टार वगैरह लिया मैंने। ये व्हिप्ड क्रीम, फूड कलर, ये सब यूज करके क्रिसमस ट्री बनाए छोटे छोटे। कैसा लगा आपको मेरा केक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सबको आपके अपने चैनल की तरफ से ढेर सारी विशेष क्रिसमस की, मैरी क्रिसमस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।